गांधी शहर आज आपको लेकर चलते हैं चुनावी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना है। इसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर है। पहले चरण के चुनाव में पार्टियों के दिग्गजों के साथ कुछ ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस उम्मीदवार की किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। जनता को तय करना है कि वह किसे चुनकर देश की संसद तक पहुंचाती है। इसी बीच एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें दागी उम्मीदवार भी लिस्ट में शामिल। राजनीतिक पार्टियां भले ही दागी उम्मीदवारों को लेकर तमाम बातें करती हो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए टिकट देके समय इन सभी बातों को ताक पर रख दिया जाता है और दागियों को उम्मीदवार बना दिया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के चुनाव में 17% उम्मीदवार दागी है। 12% उम्मीदवारों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के कुल 1279 उम्मीदवारों में से 1266 उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया है। इन 1266 उम्मीदवारों में से कुल 213 उम्मीदवारों यानी 17% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 12% उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन अपराध के मामले दर्ज है। इतना ही नहीं, 12 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्ध मामले घोषित किए हैं। पार्टियों के निशान जाने इनका आंकड़ा। पहले चरण के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों से 225 उम्मीदवार, 553 निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। ADR के मुताबिक आपराधिक मामले वालों को उम्मीदवार बनाने में कांग्रेस भाजपा से आगे है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा के 36% यानी 83 में से 30 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं कांग्रेस के करीब 42% यानी 83 में से 35 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं एक और पहले चरण 11 अप्रैल को होना है जिसमें 20 राज्यों की 91 सीट का मतदान, आंध्र प्रदेश 25 में, अरुणाचल 2, असम 5, बिहार 4, छत्तीसगढ़ 1, जम्मू कश्मीर 2, महाराष्ट्र 7, मणिपुर 1, मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड भी 1, ओडिशा 4, सिक्किम 1, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 2, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1। दूसरे चरण जो कि 18 अप्रैल को होना है वो इस प्रकार है कि 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान जो कुछ इस प्रकार है। असम में 5, बिहार 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3, पुडुचेरी में 1। तीसरा चरण जो कि 23 अप्रैल को होना है और 14 राज्य की 115 सीटों पर मतदान होगा वो कुछ इस प्रकार है। असम 4, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 7 सीटें, गुजरात 26, गोवा 2, जम्मू कश्मीर 1, कर्नाटक 14, केरल 20, महाराष्ट्र 14, ओडिशा 6, उत्तर प्रदेश 10, पश्चिम बंगाल 5, दादर नागर हवेली 1, दमन दीव 1। किस चरण में कहां होगा मतदान? चौथा चरण जो कि 29 अप्रैल को है, जो 9 राज्यों में 71 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में 5, जम्मू कश्मीर में 1, झारखंड में 3, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 17, ओडिशा में 6, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में 8। पांचवा चरण जो कि 6 मई को है, 7 राज्यों की 91 सीट पर मतदान। बिहार में 5, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश में 7, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 7। छठवां चरण 12 मई को जो कि 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान किया जाएगा। बिहार में 8 सीटों पर, हरियाणा में 10 सीटों पर, झारखंड में 4, मध्य प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8, दिल्ली में 7। सातवां चरण जो कि 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में 8, झारखंड में 3, मध्य प्रदेश में 8, पंजाब में 13, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 9, हिमाचल में 4, उत्तर प्रदेश में 13। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.